सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिलेक्शन मेंटर। और आप सबके लिए जो हमने एक वादा किया है कि आपके लिए 50 सेट्स ऑफ पजल लेके आएंगे और 50 सेट्स ऑफ DI लेके आएंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, तो उसको वादे को पूरा करते हुए आज आपका सेट नंबर वन है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट वन है, पजल का सेट वन आपने देख लिया होगा। इसके अगर टाइप की बात करें तो ये कैसलेट DI है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, जिसमें जो भी नोटिफिकेशन वीडियो के लिंक और PDFs हैं वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अगर आप रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैच शुरू हो चुका है, जो इवनिंग में बैच लगता है, तो आप सारी वीडियोज उसकी देख सकते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बहुत मस्ट हो जाता है आपके लिए। शुरू करते हैं सेशन को बिना टाइम गवाए। तो आपके सामने एक ये पजल दी हुई है, कैसलेट पजल बोल सकता हूँ, कैसलेट DI बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने देखना है कि सबसे पहले मैं आपको एक टारगेट देना चाहूंगा कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या इसे 2 से 3 मिनट में आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं वेल एंड गुड। तो सबसे पहला काम है कि वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको देखें, समझें और अपनी कॉपी पेन निकाल लें और सॉल्व करना शुरू करें। क्योंकि अगर इस जर्नी को सफल बनाना है, जो हमने 50 DI की और 50 पजल की जर्नी आपके लिए रखी है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा कि आप लोग नोट्स बनाएं और अच्छे से समझें और पढ़ें। चलिए, तो वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करें। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा और सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर लें। और मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो क्या है, देयर आर टोटल 5 सब्जेक्ट्स। अगर बात करें यहां पे कि 3 स्टूडेंट्स हैं, अरुण नाम है, संजीव नाम है और कमल नाम है, तो 3 नाम क्लियर हो गए कि भैया अरुण नाम होगा एक का, एक का संजीव है और एक कमल है, इसी ऑर्डर में हमने लिख लिया। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, पजल को करना शुरू करते हैं। पजल है हमारी, सो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर। तो क्या करेंगे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसी ऑर्डर में हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और चलिए इस तरह से इसको ब्रेकअप कर लें। अब सीधी सी बात यह कि कौन किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाया है, यही इसी चीज की बात यहां पे पूछी होगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पजल को पढ़ना, जो कैसलेट DI पजल जो भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या है आपका, यहां से शुरू करते हैं। ईच कैरिंग डिफरेंट मैक्सिमम मार्क्स। देखिए मैक्सिमम मार्क्स सबका जनरली आप अपने एग्जाम में देखते हैं तो 100 होता है, अगर आप 10th 12th की बात करते हैं, बट यहां पे डिफरेंट दे रखा है तो ये सीधे देखने वाली बात है, जो देगा हमें वही लेना है। सो डिफरेंट मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो भी दिया होगा। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ कैरीज इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 35। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो उनका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, फिजिक्स का 35 है और केमिस्ट्री का 35 है। अगर मैं कहूं कि भाई 35 में से 50% नंबर आए हैं फिजिक्स में, तो आप कहेंगे कि 17.5 नंबर आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स कैरीज मैक्सिमम मार्क्स 5 मोर देन फिजिक्स। जो मैथ है उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो फिजिक्स से 5 ज्यादा है, फिजिक्स से 5 ज्यादा है, तो 40 लिख दिया। और इंग्लिश से 10 कम है, 10 ज्यादा है, एंड 10 मोर देन इंग्लिश, और इंग्लिश से 10 ज्यादा है, तो इंग्लिश 30 होगा ना, तभी तो ये 40 बन गया। या ये 5 ज्यादा है, ये दिया था तो आपने ये निकाल लिया, अब ये दिया है तो आपने ये निकाल लिया। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द 5 सब्जेक्ट इज 160। अगर हम सारे मैक्सिमम मार्क्स को मिला दे वो हो जाता है 160, यानी कि भैया 35 ये 35 ये, 70 70 और 40 110, और 110 और 30 140। तो यानी कि कंप्यूटर के अंदर कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे, आप कहेंगे 20 मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि 140 और 20 में जोड़ेंगे तब 160 बन गया। यहां तक क्लियर हो गई पजल आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स की बात कर रहा है। कमल स्कोर्ड 60% मार्क्स इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर मैं कमल के मार्क्स की बात करूं तो आप कहेंगे फिजिक्स में कमल ने 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 35 का 60% निकालना है, 35 का 60% निकालना है, यहां निकाल लेते हैं। तो देखिए एक सोच के देखिए कि भाई 35 का 60% निकालना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 60% का 35% निकालना है। ठीक है, वो मैं ऐसे बोल रहा हूं, या फिर ऐसे भी याद कर लो कि भैया 35% निकालना है 60 का, तो 60 का 30% कितना होगा, 6 18 यानी कि 18 नंबर, और 5% कितना होगा, 60 का 10% होता है 6, तो आधा कर देंगे उसका, यानी कि 5% 3, तो 18 और 3 21। देखिए ये काम तो आपको ओरल ही करना होगा। समझ में आया 21 कैसे निकाला मैंने, आप कॉपी पे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, वाइल संजीव स्कोर्ड 48 सही 4/7% इन सेम सब्जेक्ट। तो संजीव के इस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, 48 सही, मैं यहां बात करूं 48 सही 4/7%।
अब देखिए, आपको ऐसी चीजें सॉल्व करने के लिए ना आपको परसेंटेज का ब्रेकअप आना चाहिए, नहीं तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज में वैसे निकालूं तो आप क्या कहेंगे कि भैया 48 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 8 छप्पन का 6, साइड में लिखता हूं 56 का 6, और 7 4 28, 28 और 5 33, यानी कि 336, और 336 में 4 जोड़ा तो आप कहेंगे 340/7, 340/7 परसेंट, परसेंट मतलब 1/100, ठीक है। अब ये किसका निकालना है आपको, 35 का, यानी कि आपको 35 का इतना परसेंट निकालना है, समझ में आ गया होगा। 35 से पहले ये 7 से 5 काट दो, काट दिया आपने, 0 से ये 0 काट दो, काट दिया आपने, 5 से ये 10 काट दो, दो बार काट दिया, और 34 कट गया 17 बार, समझ में आया। तो संजीव के कितने नंबर आए, 17 नंबर आए फिजिक्स में, क्योंकि सेम सब्जेक्ट की बात की गई थी, समझ में आया। अरुण स्कोर्ड ओनली 13.5 मार्क्स इन फिजिक्स, तो 13.5 किसके मार्क्स हैं, अरुण के हैं फिजिक्स में, तो क्लियरली यहां पे नंबर दे रखें कि अरुण के इतने नंबर हैं, समझ में आ गई होगी इतनी बात। आगे बात करते हैं कि अरुण स्कोर्ड 24 मार्क्स इन केमिस्ट्री, अरुण के केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं, आप कहेंगे कि भैया 24 नंबर है, क्लियरली दे रखा है। विच इज, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज 60% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय संजीव इन द सेम सब्जेक्ट। तो संजीव ने जो सेम सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री में नंबर प्राप्त किए हैं, ये केमिस्ट्री के नंबर 60% ज्यादा हैं। तो यानी कि केमिस्ट्री, एक बार फिर से पढ़ते हैं, विच इज, यानी कि जो केमिस्ट्री के नंबर है 24, वो 60% ज्यादा है किससे, संजीव के मार्क्स से। तो संजीव के मार्क्स को मैं एक्स अगर मान लूं तो आप कहेंगे भैया एक्स का 160% होता है 24, यही तो बोलेंगे कि एक्स का 160% 24 के बबराबर होता है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, 0 से 0 काट दो, 4 से 4 चौक 16, 4 छंग 24, ठीक है, और पूरा काट देंगे, 10 से 6 की मल्टीप्लाई 60/14, यानी 15 चौका 60, तो कितना आ गया 15, समझ में आ गई होगी बात। वीडियो को रिवाइंड करके पीछे फिर से देख लें ये बात, तो केमिस्ट्री में संजीव के 15 आ गए, ठीक है। आगे लिखा है कि टोटल मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट इन थ्री स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री इज 58, अगर तीनों बच्चों की केमिस्ट्री में नंबर बात करूं तो कितने नंबर हैं भैया, 58 नंबर है, विजिबल नहीं होगा आपको, एक बार खुद को हटा दें, खुद को हमने हटा दिया, 58 नंबर है। जब 24 5 4 9 2 3 यानी 39 नंबर तो हो गए दो बच्चों के, तो यहां पे कितना फिल कर सकता हूं मैं, आप कहेंगे 39 और 9 यहां पे आ गया 18, ठीक है, तो यानी 19 आ गया यहां पे, 18 + 1 39 का, तो 19 नंबर बन गए किसके, कमल के 35 में से। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कमल के केमिस्ट्री में कितने नंबर है, आप कहेंगे 19, आंसर आ गया, क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखा है, द टोटल ऑफ मार्क्स ऑफ थ्री स्टूडेंट, चलिए यहां तक हो गया, कमल स्कोर्ड 15.5 मार्क्स इन मैथ्स, तो कमल के मैथमेटिक्स में कितने हैं, 15.5 मार्क्स है, चलिए। वाइल संजीव स्कोर्ड 35% इन द सेम सब्जेक्ट, तो संजीव के यहां कितने नंबर हैं, 40% का 35%, तो 40% का 35% ओरली निकालो, तो 40 का पहले 30% निकालो आप कहेंगे 4 * 3 = 12, 4 * 3 = 12, अब 40 का 5% निकालो आप, 40 का 10% होता है 4, तो 5% होगा 2, तो 12 में 2 जोड़ दो, बढ़ गया 14, समझ में आ गया, नहीं तो साइड में निकाल लो आप 40 का 35%। आगे क्या है, अरुण स्कोर्ड हाईएस्ट इन मैथ्स विद 29 मार्क्स, तो अरुण के जो है वो मैथ में 29 नंबर आए हैं, वो हाईएस्ट है, चलिए देखेंगे कितना हाईएस्ट है। आगे लिखा है कि अरुण स्कोर्ड 40% इन इंग्लिश, अरुण के कितने हैं इंग्लिश में, 40% नंबर है, तो अरुण के इंग्लिश में, तो इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स होता है 30, तो 30 का 40% बेटा 12, 3 * 4 = 12, चलिए। आगे दिखा है इंग्लिश, विच इज 33 1/3, ये 33 सही 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3, अगर रेशियो में बात करें 33 1/3 लेस देन द मार्क्स ऑफ संजीव, यानी कि जो 12 है ना वो संजीव के मार्क्स, यानी कि एक्स मान लूं उसका 33 सही 1/3 कम है, कम होने का मतलब क्या होता है, देखिए 33 सही 1/3% को मैं बोल दूंगा 1/3, अब टोटल मार्क्स अगर 1 है तो 1 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा 2/3, तो आप कह सकते हैं कि एक्स का 2/3 जो है वो 12 के बराबर है, तो इसको काट दो, 2 से 12 कट गया 6 बार, 6 * 3 = 18, तो यानी कि इंग्लिश में संजीव के मार्क्स कितने आ जाएंगे यहां पे 18, समझ में आ गया। स्कोर ऑफ कमल इन इंग्लिश इज 14, तो कमल का स्कोर इंग्लिश में कितना है 14 है, देखिए सारी चीजें बड़े आराम से क्लियर होती जा रही हैं। द सम ऑफ मार्क्स ऑफ अरुण एंड संजीव इन कंप्यूटर इज 32, तो अरुण और संजीव के मार्क्स कितने दोनों के मिला के 32, चलिए मैंने 32 लिख दिया, विद वाइल द रेशियो ऑफ द सेम इज 9:7, तो बेटा इसका रेशियो 9:7 है, यानी कि यहां 9 आएगा तो यहां कितना आएगा 7 आएगा,
तो 32 को अगर आप 9:7 में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 7 16, 16 2 32 यानी कि 18 और 14 आएगा। नहीं आता तो सोच के देखिए कि आप 32 को 9 और 7 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 18 14 आ जाएगा। चलिए आगे क्या दिया है कि कमल का जो स्कोर है वो 77.5% मार्क्स है इन कंप्यूटर, तो 20 का 77.5% कितना होगा आप सोच के देखो, 77.5% ऑफ 20। इसको करने का तरीका ये है कि इसे उल्टा कर लो आप कि 20% कितना होगा 77.5% का, तो पहले आप निकालो कि 10% कितना होगा, 10% कितना होगा तो आपको समझ में आएगा 10% कितना होगा, इधर लगाओगे तो आप 10% आएगा यानी कि 7.75 कितना होता है 10% होता है, तो इसका दुगना कर दो, दुगना बोले तो 7 2 14 7.5 का यानी 15.5 आ गया। समझ में आ गया, तो भैया ये हो गया आपका यहाँ पे कैसलेट डीआई, यानी कि हमने पूरे डीआई को सॉल्व कर लिया और यहाँ पे बता दिया आपको कि इस तरीके से पूरा डेटा आने वाला है। ठीक है, बहुत ये इजी लेवल का डीआई मैं इसे कहूँगा, लेकिन आगे हम लेवल को और ज़्यादा मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये आपको समझ में आया। अब कुछ नहीं बचता है, अब आपकी बात आती है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन आपके सामने, देखिए पूरा डेटा आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन जो कहेगा वो करते चले जाओगे आप। चलिए सॉल्व करा देते हैं। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 3 स्टूडेंट इन इंग्लिश, और राउंड ऑफ कर देना है नियरेस्ट इंटीजर के। तो इंग्लिश के अंदर 3 स्टूडेंट का राउंड ऑफ एवरेज मार्क्स कितना है, तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो भैया ये रहा आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर 12 हैं, 18 हैं, 14 हैं, तो इन तीनों को अगर आपने ऐड किया 8 2 10 4 14 यानी 4 2 1 3 44 44 नंबर बटा 3 एवरेज लोगे कितना आएगा, देखिए 15 से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन राउंड ऑफ करने की बात की तो आप क्या कहोगे इसका आंसर 15। क्या आंसर है 15, क्योंकि 44 बटा 3 आया यानी कि 15 अप्रॉक्सीमेटली 15। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत स्पीड से क्वेश्चंस कर सकते हैं क्योंकि हमने डीआई को अच्छे से कर लिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अरुण इन ऑल सब्जेक्ट एंड टोटल मार्क्स, ठीक है एक बार चलिए, तो क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अरुण इन ऑल सब्जेक्ट एंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय संजीव इन ऑल सब्जेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस बताना है। तो अरुण के कितने मार्क्स हैं माइनस संजीव के कितने मार्क्स हैं, तो आप अरुण के मार्क्स पहले अलग से गिन लो और संजीव के मार्क्स अलग से गिन लो। चलिए मैं इधर कर देता हूँ इसको, तो अरुण के मार्क्स कितने आएंगे अगर इसको मैं ऐड करने बैठूँ, ठीक है यहाँ, तो अगर पहले आप ऐसे ऐड कर लो ओवर ओवर कि ये 10 है, 18 और 20 12 कितने होते हैं 30, ये 30 हो गया, और ये 30 और 30 ये मिलके 60 हो गए, मतलब एक कम, 60 में एक कम, और इसको जोड़ा तो यहाँ पे कितना बन गया 63 और 20 यहाँ पे कितने हो गए 83 और 10 93 3 96 यानी कि 96.5। इस तरीके से आप ऐड करके बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं। संजीव के कितने मार्क्स आएंगे, तो देखिए पूरे ये 14 14 के आसपास है, 14 14 14 14, तो 14 5 70 तो ये हो गया। अब यहाँ पे 3 ज़्यादा है 73, यहाँ पे 1 ज़्यादा है 74, और यहाँ पे फिर से 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 78। ठीक है एक बार और देख लो, हाँ यहाँ पे 3 ज़्यादा है 73, और यहाँ पे एक ज़्यादा है 74, और 14 से यहाँ पे 3, ठीक है कितना आ गया एक बार देख लेंगे, 14 18 14 15 17, हाँ ठीक है यहाँ पे 4 ज़्यादा है 74, चलिए 78 इज द करेक्ट वन, तो 78 आ जाएगा यहाँ पे। तो 96.5 और 78 का डिफरेंस ले लो, यहाँ पे आंसर आ गया 96.5, कितना आ गया 96.5 माइनस का 78, तो 0.5 तो एक आ गया यानी 0.5, तो ऑप्शन अगर उसने राउंड ऑफ नहीं बोला तो ऑप्शन यहीं पे लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, तो 18.5 इज द करेक्ट आंसर, 0.5 क्योंकि यहाँ से आ जाएगा, और 6 से देखेंगे तो 6 और 2 8 यानी कि 18 ही आएगा 18.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कमल इन द सेशनल एग्जाम्स, तो कमल के परसेंटेज मार्क्स बताने हैं। तो सबसे पहले कमल के मार्क्स पता होने चाहिए कितने, तो कमल के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो अभी हमने दोनों के तो टोटल निकाले हैं पर कमल का नहीं निकाला है, तो कमल के यहाँ पे मार्क्स निकाल लो, 20 और 19 ये हो गए 40, और 15 55, 15 2 30 55 85, ठीक है 85 आ गया, और टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 85, और अपॉन में कितने टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे 160, पता ही है ना आपको 160 है, तो 85 बटा 160 × 100, अब सोच लो यहाँ पे कितना आएगा, 85 बटा 160 × 100 से परसेंटेज निकालो यहाँ पे आप,
85 बटा 160 इंटू 100 से परसेंटेज निकाल लो। वो निकालने का ट्रिक मैंने आपको बताई हुई, वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे 16 16 पंजे 80, यानी कि 50 से ऊपर आंसर आएगा, और यहाँ पे आएगा 53.125 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऑप्शन बहुत पास है तो आपको बिल्कुल नियरली काटोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 50 के सारे देखिए 53 के आसपास दो ऑप्शन है, तो एग्जैक्टली काट लो कि भैया जीरो से जीरो कट गया है ना, काट के आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ऑफ संजीव इन इंग्लिश एंड मैथ्स इन व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मार्क्स ऑफ ऑल द थ्री स्टूडेंट इन कंप्यूटर। तो सबसे पहले ऑल द थ्री स्टूडेंट के कंप्यूटर में मार्क्स निकाल लोगे आप, और संजीव के मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स निकाल लोगे। तो फिर से टेबल हमें बार बार देखनी पड़ रही है। तो मैथ्स में संजीव और इंग्लिश, मैथ्स में संजीव के मैथ्स में और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ से ये बन गया आपका मैथ्स और ये बन गया इंग्लिश, मैथ 14 और इंग्लिश में, ठीक है। देखिए यहाँ पे होचपोच हो रहा है, मैं आपको टेबल से देख के बता दूँ, नीचे टेबल भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बनेंगे आपके यहाँ पे 18 और प्लस 14, ठीक, तो ये बन गए 32। और टोटल मार्क्स की बात की कंप्यूटर में कितने हैं, तो वो बनेंगे 47.5। जब उसने डिफरेंस का परसेंटेज मोर और लेस पूछा है, तो आपको समझ में आएगा ये तो कम है, तो कितना कम है आप कहेंगे 32 से यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 47.5 माइनस 32 अपॉन 47.5। देखिए जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो नीचे रहेगा, और इनटू ये इनटू 100 इनटू 100। चलिए तो यहाँ पे 0.5 आ गया, 7 में से 2 गया 5 आ गया, और 4 में से 3 गया 1 आ गया, 15.5 बटे 47.5 इनटू 100। और इसका सॉल्व करके आंसर आप मुझे इनमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मेन काम होता है कि जो मेन डेटा है उसको समझाना। इफ द पासिंग मार्क्स इन ईच सेशन इज 40%, सेशंस आर 40%, ठीक है, कि अगर जो भी पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स जो हैं, जो जिस पे वो पास होगा बंदा, वो 40% है, 40% नंबर पे पास होगा, देन टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट टुगेदर, यानी कि सारे स्टूडेंट की कंपार्टमेंट कितनी आएंगी अगर हम पर्टिकुलर बात करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप इसका सॉल्यूशन आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर, चलिए टेबल नीचे बनी हुई है, टेबल नीचे बनी हुई है, अगर हम इसके 40% पे पास कर दें, तो यानी कि ये 16 नंबर पे पास होगा, ओरली अगर देखें 4 चौक 16 पे पास होगा, तो यानी कि यहाँ कंपार्टमेंट नहीं है, यहाँ कंपार्टमेंट है, यहाँ कंपार्टमेंट है, तो आपको टोटल मिला के यहाँ पे कंपार्टमेंट काउंट करके बताना है कि कितनी यहाँ पे कंपार्टमेंट है, ठीक है। जल्दी से ये कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें इसका आंसर बता दें, और जल्दी से बताएंगे कि आपको ये DI पसंद आई और नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारे DI हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके पास लेके आने वाले हैं हम लोग। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट में जो DI के आंसर्स हैं वो आपसे DI के आंसर्स कमेंट में पूछे जाएंगे, जिससे आपका भी अप्रिसिएशन और जो इंटरेस्ट है वो जगह रहेगा, और आप अपना कॉपी पेन का इस्तेमाल करते रहें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सेशन को क्लोज करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में दूसरे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला एक DI लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।